अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो सबसे पहले तो इसके दूसरे नाम देख लेते हैं अपन, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप लिखोगे इसके अन्य नाम। पहला सक्रियत संकुल सिद्धांत। आपको ये तो नहीं लगता कि सर बोर्ड के अंदर ही घुस रहे हैं, चिपक रहे हैं, ठीक है। सक्रियत संकुल सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, शॉर्ट में कहा जाता है ACT, ठीक है भाई। क्या कहा जाता है? ACT। दूसरा नाम इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है बताओ? परम वेग सिद्धांत। क्या है? परम वेग सिद्धांत। परम को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वेग को रेट, सिद्धांत को थ्योरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, ठीक है। एक नाम और इसका और है, आयरिंग सिद्धांत। आयरिंग सिद्धांत, जो वैज्ञानिक थे आयरिंग उनके नाम पे इसका नाम रख दिया आयरिंग सिद्धांत, EYRING थ्योरी। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल लिखते हैं सिद्धांत को, तो प्रिंसिपल लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? तीन नाम और हो गए। टोटल नाम कितने हो गए? चार। एक तो इसको TST भी बोलते हैं, TST ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? सक्रियत संकुल सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तीसरा नाम क्या है इसका? एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, परम वेग सिद्धांत। और चौथा नाम क्या है इसका? आयरिंग थ्योरी। क्या? आयरिंग सिद्धांत, ठीक है। ये इसके दूसरे उपनाम हो गए। तो एग्जाम में इनमें से भी कोई ऐसा नाम देके पूछ सकता है कि आयरिंग सिद्धांत को समझाओ, चार नंबर या पाँच नंबर या छः नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये होता क्या है, मिटा दो इसको। ओके देखो भाई, और कह सकते हैं अपन इसको ACT, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। देखो ये जो सिद्धांत है ये ऐसे कहता है कि जो आपके अभिकारक अणु होते हैं वो डायरेक्ट उत्पाद नहीं बनाते। सुनना ध्यान से, ये क्या कहता है? आपके जो अभिकारक अणु हैं वो सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, उत्पाद में जाने से पहले वो एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। सुनना फिर से, संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या कहता है कि अभिकारक अणु सीधे ही उत्पाद का निर्माण नहीं करते, उत्पाद का निर्माण करने से पहले किसका निर्माण करते हैं? संक्रमण अवस्था का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो संक्रमण अवस्था होती है वो अस्थायी होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? अस्थायी होती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो अभिकारक अणु होते हैं और जो संक्रमण अवस्था होती है या फिर जो सक्रिय संकुल होता है उसके बीच में क्या होता है? गतिक साम्य स्थापित होता है। अभी एक एक पॉइंट वो आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है? गतिक साम्य स्थापित होता है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जो सक्रिय संकुल होता है आपका या फिर जो संक्रमण अवस्था होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा से क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसकी जो अर्धविकाल होती है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है। फिर मैंने क्या कहा था कि जो आपका जो संक्रमण अवस्था है या फिर जो सक्रिय संकुल है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। बहुत यदि क्या होता है? अस्थायी होता है। तो वो तुरंत प्रभाव से अभिकारक में भी वापस आ सकता है और उत्पाद में भी परिवर्तित हो सकता है। एक बार समझो फिर इसके पॉइंट में आपको लिखवा देता हूँ। देखो भाई ये ऐसे कहता है
कि आपके पास एक कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब पहले तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट ही कहते थे कि अभिक्रिया ऐसे होती है, लेकिन जो ये एसीटी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये ऐसी कहती है कि जो भी अभिक्रिया है, जो अभिकारक हैं, वो उत्पाद बनाने से पहले क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सक्रियत संकुल बनाते हैं। एक बार समझ लेना ये क्या है, सक्रियत संकुल, और ये आपके क्या हैं, अभिकारक। तो हमने क्या कहा कि जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में बदलने से पहले किसका निर्माण करते हैं, एक सक्रियत संकुल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा पॉइंट ये है कि सक्रियत संकुल और अभिकारकों के मध्य एक गतिक साम्य स्थापित रहता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो के इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक। तो पहला पॉइंट क्या कि अभिकारक और जो अभिकारक हैं वो उत्पाद बनाने से पहले किसका निर्माण करते हैं, सक्रियत संकुल का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर दो, सक्रियत संकुल और अभिकारक के बीच में क्या स्थापित रहता है, गति के साम्य स्थापित रहता है। पॉइंट नंबर तीन, जो सक्रियत संकुल होता है इसकी ऊर्जा, सुनते जाना, सक्रियत संकुल की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा से क्या होती है, ज़्यादा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो अस्थायी होता है, जिस केमिस्ट्री में जिसकी भी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा को वो निकाल देगा, ठीक है। तो ये जो सक्रिय संकुल होता है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है किससे, अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। अब ये जो सक्रिय संकुल होता है ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, वापस अभिकारक में भी आ सकता है और किस में जा सकता है, आगे उत्पाद में भी ये जा सकता है, ध्यान रखना। ये जो सक्रिय संकुल होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये डिपेंड करता है इसकी मर्जी के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ये चाहे तो वापस अभिकारक में आ सकता है, ये चाहे तो किस में जा सकता है, उत्पाद में जा सकता है। देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वही जैसे अपन सक्रियण का ग्राफ बनाते थे वैसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या है, आपके अभिकारक कौन कौन से, ए प्लस बी, ये क्या है आपका उत्पाद पी। तो ये जो अभिकारक हैं इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी, ठीक है, और क्या बना दिया, एक सक्रियत संकुल का निर्माण कर दिया, ठीक है। ये जो सक्रिय संकुल है, इस सक्रिय संकुल और अभिकारकों के बीच में क्या होता है, एक गतिक साम्य स्थापित रहता है। तो ये लिख दिया कि हमने इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साम्य स्थापित है, ठीक है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है आपको, ये तो सक्रियण ऊर्जा, उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। ये जो स्टेट इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है, ये क्या है आपका, या तो सक्रिय संकुल कह दो इसको, यह आपका सक्रिय संकुल है और इसी को क्या कहते हो आप, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था समझते हो, जो अभिकारक और उत्पाद के बीच की अवस्था होती है उसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कि जो आपका अभिकारक है वो उत्पाद में बदलने से पहले किसका निर्माण करते हैं, एक सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अभिकारक और सक्रिय संकुल के बीच में एक गतिक साम्य क्या होता है, स्थापित रहता है। तीसरा पॉइंट, ये जो सक्रिय संकुल होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक है। देखो आप खुद देख लो, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और इधर वही आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी है, इस सक्रिय संकुल की है, जिसके कारण ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा क्या है, अस्थायी है। तो डिपेंड करता है कि ये जो सक्रिय संकुल है ये वापस अभिकारक में भी आ सकता है और टूटकर उत्पाद में भी ये जा सकता है, ये इसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये टूटकर अगर उत्पाद बनाता है तो इसके टूटने की जो वेग है, ठीक है, वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा, एक तो इसकी सांद्रता पर और दूसरा इसकी टूटने की आवृत्ति पर, ठीक है। जो अभिक्रिया का वेग है वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, इस सक्रिय संकुल की सांद्रता पर और इस सक्रिय संकुल के उत्पाद में टूटने की आवृत्ति पर निर्भर करता है,
तो आप क्या करो, एक बार मैं दो एक आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ इसके, फिर हम इसको डिटेल से इसकी गणितीय व्याख्या समझेंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर एक लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता हूँ, फटाफट लिख लो। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु अभिकारक अणु सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, वरन उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक सक्रियत संकुल या संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर दो, ये जो सक्रियत संकुल होते हैं, सक्रियत संकुल एवं अभिकारक अणुओं के मध्य एक गतिक साम्य स्थापित रहता है, ठीक है, गतिक साम्य स्थापित है, अंडरलाइन कर लेना इसको। पॉइंट नंबर तीन, सक्रियत संकुल की ऊर्जा अत्यधिक होती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सक्रिय संकुल की ऊर्जा अभिकारक एवं उत्पाद की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए ये अस्थायी होता है, ठीक है भाई, अस्थायी होता है। अगला पॉइंट देखो, सक्रियत संकुल की अर्धायु देखो अब इसका मतलब क्या है, जो जितना ज़्यादा अस्थायी होगा वो जल्दी से या तो उत्पाद में जाएगा या फिर वापस से अभिकारक में आएगा, वो जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा। तो जो जितना जल्दी से अभिक्रिया करके उत्पाद बना देगा उसकी अर्धायु उतनी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो जितना ज़्यादा स्थायी होता है वो अभिक्रिया धीरे करता है, अभिक्रिया धीरे करेगा तो उसकी अर्धायु क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपने पास इस अभिक्रिया में जो मैंने ग्राफ बनाया था, अभिकारक और उत्पाद दोनों की ऊर्जा क्या थी, कम थी, और सक्रियत संकुल की ऊर्जा क्या थी, ज़्यादा थी। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा थी उसकी अर्धायु क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सक्रियत संकुल की अर्धायु कम होगी अभिकारक एवं उत्पाद से क्या होती है, अभिकारक एवं उत्पाद की अर्धायु से कम होती है, मतलब जल्दी से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कम होती है। अगला पॉइंट, सक्रियत संकुल विघटित होकर उत्पाद का निर्माण करता है। आप चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, ए प्लस बी
ये आपका के इक्विलिब्रियम, ये ए बी का हैज का मतलब ये एक्टिवेटेड है, और ये टूट के क्या बनाएगा आपका, ये टूटने का इस तरह के, और ये बन गया पी। तो ये तो हो गया आपके अभिकारक, ये आपका हो गया सक्रियत संकुल, और ये क्या बन गया आपका उत्पाद। और फिर इसके नीचे आप ये वाला चित्र बनाओगे, चित्तर क्या बनाओगे, चित्तर, हाँ चित्र बनाओगे आप, ठीक। ये तो है आपके ए प्लस बी क्या है, अभिकारक, अभिकारक ये रिएक्टेंट है। यहाँ क्या बनेगा आपका ए बी, और ये भी कैसा एक्टिवेटेड, और ये आपका क्या है उत्पाद, जिसको आप कहते हो पी। इधर क्या लोगे पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या लोगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और हमें पता है कि अभिकारकों और सक्रिय संकुल के मध्य क्या होता है, गतिक साम्य स्थापित रहता है। फिर यह डीकम्पोज होकर किधर चला जाता है, उत्पाद में चला जाता है, ठीक। चाहो तो ये बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आपकी क्या हो जाएगी सक्रिय ऊर्जा, लेकिन इसका कोई खेल यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ये क्या है आपका सक्रियत संकुल, ठीक है भाई। ये आपका क्या साम्य, कौन सा साम्य, गतिक साम्य, ठीक है। इतना बनाने के बाद में पॉइंट नंबर 6 क्या लिखोगे, मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है, इस सिद्धांत के अनुसार मतलब संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, ठीक है, या फिर सक्रिय संकुल सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, लिखो संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक नंबर ए पहला क्या बताया था, सक्रिय संकुल की सांद्रता, इसकी सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा। तो पहला क्या लिखोगे आप, सक्रिय संकुल की सांद्रता, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सक्रिय संकुल के उत्पाद में परिवर्तित होने की विघटन आवृत्ति, सक्रिय संकुल के उत्पाद में परिवर्तित, ठीक है, उत्पाद में परिवर्तित होने की विघटन की आवृत्ति, उत्पाद में परिवर्तित होने की विघटन आवृत्ति, इन दो चीज़ों पर क्या करता है अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो ये आपकी थ्योरी हो गई है किसकी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ले लो, ले लिया, आगे पढ़ते हैं भाई, मिटा देता हूँ इसको।
ठीक है भैया। अब आप हेडिंग डालो, संक्रमण अवस्था सिद्धांत से वेग स्थिरांक की गणना। हेडिंग क्या होगी अपनी? संक्रमण अवस्था सिद्धांत से वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके पास एक अभिक्रिया है ए प्लस बी और यह आपको दे रही है उत्पाद, नॉर्मल अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वेग या फिर आप कह सकते हो रेट, वो क्या होगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको समीकरण कह दिया अपन ने एक, लेकिन ये तो वेग नियम के अनुसार सामने लिखा है अपन ने, लेकिन संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार वेग क्या होगा? जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? सक्रिय संकुल की सांद्रता इंटू सक्रिय संकुल की, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं, विघटन आवृत्ति। ठीक है, ये आपके होगी समीकरण दो। ACT के अनुसार क्या जानते हैं हम कि A प्लस बी ये K इक्विलिब्रियम विल गिव AB एंड सॉरी ये K क्या दे रहे हैं P, तो यही तो है सक्रिय संकुल इसके सांद्रता। कैसे निकालोगे यहाँ पे? साम्यावस्था के अनुसार, साम्यावस्था से, ठीक है, अपने को इतना तो पोर्शन लेना है। तो यहाँ से अगर आप के इक्विलिब्रियम लिखते हो तो क्या लिखोगे? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो आपने लिखा ए बी की सांद्रता बटे ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। यहाँ पे लग रहा है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, जिसको आप द्रव्यानुपाति क्रिया नियम भी कहते हो, गुलबर्ग और वागे ने दिया था, वो वहाँ से लिखा है अपन ने इसको। आगे वाले को बोल गए हम तो इतनी देर क्रिया को लिए देखा है अपन ने, तो ठीक है साम्यावस्था के लिए देखा है। हमें क्या चाहिए? सक्रिय संकुल की सांद्रता चाहिए। तो यहाँ से आप निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आ गया क्या? इस क्वेश्चन में करने के दिया अपन ने तीन। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। जो सक्रिय संकुल की विघटन आवृत्ति होती है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो विघटन आवृत्ति है उसके लिए देखो हम क्या जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? H न्यू होता है। ठीक है, E बराबर क्या होता है? H न्यू। जो सक्रिय संकुल की विघटन क्या होती है इसको बोलते हैं न्यू वाइब्रेशनल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है अभी लिख दूंगा मैं। जो विघटन आवर्ती है ये H न्यू, और आप यहाँ पे लिखोगे वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हो मतलब कंपन ऊर्जा की, तो ये न्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाइब्रेशनल। और जो न्यू होता है ये किसके बराबर होता है? के बी टी के बराबर होता है, ध्यान रखना। हम जानते हैं ये बराबर एच न्यू होता है, और जो एच न्यू होता है वो किसके बराबर होता है? के बी टी। अब ये के बी क्या है? बोल्ट्ज़मान स्थिरांक, बी वैज्ञानिक नाम बोल्ट्ज़मान, तो ये बोल्ट्ज़मान स्थिरांक। टी क्या है? आपका परम ताप है,
आपको यहाँ से ये चाहिए न्यू वाइब्रेशनल, यहाँ से क्या चाहिए न्यू न्यू वाइब्रेशनल का मान निकालोगे तो क्या आएगा के बी टी अपॉन एच, इसको समीकरण कर दो आप 4, और ये क्या है आपका विघटन की आवृत्ति है न्यू वाइब्रेशनल। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो इतना पढ़ने लिखा। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2, 3 और 4 से, समीकरण 2 से तो मान उठा के 3 में रख देते हैं सक्रिय संकुल की सांद्रता, 4 से इस न्यू वाइब्रेशन का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो लिखा हमने समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखा, तो रखो रेट बराबर क्या आएगा, देखो रेट बराबर क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, एक बार देखो इस समीकरण 2 को मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, इसका जो गणितीय रूप है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, एक मिनट इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इंटू न्यू वाइब्रेशनल, ये है समीकरण 2, इसका थोड़ा मैथमेटिकल रूप है, ठीक है। अब यहाँ से ए बी का मान तो ये रख दोगे और न्यू वाइब्रेशन का मान ये रख दोगे, तो आपके पास रेट क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू आपके पास आएगी ए बी का मान क्या है के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू क्या आएगा के बी टी ओवर एच, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको समीकरण कर दो आप 5। अब क्या करो समीकरण 1 और 5 की तुलना करो, समीकरण 1 व 5 की तुलना करने पर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट को उठाना है, रेट की कोई काम ही अपने पास नहीं है। पीछे जब हमने कोलिजन थ्योरी भी पढ़ी थी ना, तब भी हमने वहाँ पर रेट को उठा दिया था, हमने तो किसका मान ज्ञात करना था, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में भी रेट है और समीकरण 5 में भी रेट है, रेट से रेट कटी, इधर तो क्या आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू के बी टी ओवर एच, ये बी बड़ा लिखो भाई, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। जो वैज्ञानिक होते हैं उनका नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखो इधर वाले ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, इधर वाले ए और बी की सांद्रता से कैंसिल आउट हो रही है, तो क्या आएगा आपके पास के इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू के बी टी ओवर एच। बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। समीकरण 6 अभी तो आधा ही है, ठीक है, एक बार इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्या करता हूँ इसको आपको दोबारा समझाऊंगा, इससे आगे और पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ले लो, लिख लिया, चलो इधर वाले को मिटा देता हूँ मैं, देखो आगे देखो, उससे आगे देखना, हम जानते हैं कि अब हमें ये दिक्कत कर रहा है क्या इक्विलिब्रियम दिक्कत कर रहा है, तो अब इसका समाधान कर लेते हैं अपन, ठीक है। हम जानते हैं कि देखो भाई डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये आपने समीकरण पढ़ी है 11वीं क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़ रखी है। अब देखो साम्यावस्था वाले पार्ट में पढ़ रखी है, साम्यावस्था पर
डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जीरो होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि साम्यावस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा किसको होता है, परिवर्तन, वो कितना होता है, जीरो। उत्पाद की ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा दोनों की बैलेंस हो जाती है किसके ऊपर, साम्यावस्था के ऊपर। तो हम अंतर निकालेंगे तो उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा करेंगे, दोनों की ऊर्जा बराबर होगी तो अंतर कितना आएगा, जीरो। तो साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रखो वैल्यू पुट करो, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब डेल्टा जी नॉट को इधर ले आओ, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर हम यहाँ से के इक्विलिब्रियम का मान निकाल के यहाँ चिपका दें तो यहाँ से हट जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकालोगे आप, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू निकालोगे, इसका मान निकालना है तो ये आर टी किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब हमें क्या चाहिए, केवल ओनली के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो एल एन को हटाना पड़ेगा और एल एन को उठाने के लिए क्या करते हैं, एन टी एल एन लेते हैं, वेरी गुड। अब मुझे बताओ एन टी एल एन लोगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर से तो एल एन हट जाएगा और सामने वाला, वेरी गुड, ई की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एन टी एल एन लेने पर, जब आपने लिया तो इधर से तो एल एन हट गया, क्या आया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये किस में चला जाएगा, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये आ गया आपके पास समीकरण 7। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करेंगे, समीकरण 7 से के इक्विलिब्रियम का मान उठा के कहाँ चिपका देंगे, समीकरण 6 में। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, समीकरण 7 से के इक्विलिब्रियम का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, ओके, ले चलें उधर, इसको उधर ले चलें, चलो तो फिर आप कह ही रहे हो तो ले चलते हैं समापन की ओर, ठीक है। समीकरण 6 था आपका, k इज इक्वल टू, के इक्विलिब्रियम की जगह क्या रखोगे, e की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी, और आगे क्या है, डॉट के बी टी ओवर एच। अब मैं इसको सब साफ कर रहा हूँ, ये आपके पास समीकरण आ गई 8। देते जाओ क्या जाते हैं समीकरण, कुछ भी दो आपके जो मन में है उसको, नंबर 1, 2, 3 दो, कुछ भी दो, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण से ये क्या होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस का टी डेल एस, अच्छे से आपने पढ़ रखा है। अब क्योंकि यहाँ नोट लग रहा है तो हमारे क्या जाते हैं, हम भी क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, ये मान उठा के यहाँ चिपका दो, ये मान फिर यहाँ पे यहाँ से कह सकते हैं डेल जी नोट का ये मान समीकरण 8 में रखने पर, तो रखोगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू e की पावर ये माइनस, तो आप एज इट इज़, अब देखो रे डेल्टा जी क्या रखोगे, डेल्टा h नॉट माइनस का t डेल्टा s नॉट, ये मान मैंने उठा के रख दिया इसकी जगह, बट में क्या आएगा आर टी, आगे क्या है के बी टी ओवर एच, देखते जाओ
के इज इक्वल टू, इसको पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, के बी टी ओवर एच को पहले लिख देता हूँ, ठीक है डॉट। अब इसको एक एक लिखेंगे अपन, ई की पावर माइनस का डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी, वही है आधार समानुपातिक जुड़ जाती है, डॉट ई की पावर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या आएगा टी डेल्टा एस नोट, पूरा लिखना पड़ेगा क्या टी डेल्टा एस नोट, और नीचे क्या आएगा आर टी, टी से टी मर जाएगा और आगे ठीक है ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से निकालो के इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस नोट अपॉन आर। एक तो समीकरण आ गई आपके पास ये वाली। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, जोड़ देना कुछ नहीं, वापस से आपको ये वाला मिल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, आप इस समीकरण को भी स्टार लगा सकते हो, ये भी अपने काम की समीकरण है। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप कि जो के बी होता है उसका मान होता है आर बाई एन ए, के बी बराबर क्या होता है आर बाई एन ए, ठीक है। आर क्या है गैस स्थिरांक, एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या, तो मान रख दो क्योंकि ये होता है, इसलिए के बराबर ये हो गया आर टी ओवर एन ए एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा एच नोट बटे आर टी और डॉट ई की पावर डेल्टा एस नोट बटे आर। ये आपका फाइनल और समीकरण आ चुका है, जितने भी स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो। यह आपका संक्रमण अवस्था सिद्धांत ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ कौन क्या है वो लिख रहा हूँ मैं, यहाँ के बराबर, चिंता मत करना भाई, कोई न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आएगा, केवल ये डेरिवेशन आपको पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। के बराबर वेग स्थिरांक है, आर बराबर गैस स्थिरांक, मान क्या होते हैं इसके दो मान होते हैं, वैसे तो मान बहुत सारे होते हैं, तीन चार होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें दो पढ़ने हैं, एक तो जूल वाला एक कैलोरी वाला, ठीक है, एक लीटर एटमोसफेयर वाला होता है, खूब सारे मान होते हैं, फिलहाल हमें दो पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है आर बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दूसरा होता है आर बराबर 1.98 जिसको लगभग कह लिखते हो आप 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टी क्या है परम ताप है, ओके। डेल्टा एच नोट क्या है मानक एंथैल्पी में परिवर्तन, नोट का मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, एच होता है एंथैल्पी, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, मानक एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एस नोट क्या है, देखो एस तो आपने पढ़ रखा होगा एंट्रोपी अव्यवस्था, ठीक है। डेल्टा एस नोट क्या है मानक एंट्रोपी परिवर्तन। आगे सब रह गए, दो रह गए, एच क्या है प्लांक स्थिरांक, क्या है प्लांक स्थिरांक, मान कितना होता है 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है।
एन ए क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, एन ए क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। मान कितना होता है इसका, 6.02 गुणा 10^23, या तो हो सकते हैं अणु, या हो सकते हैं परमाणु, या हो सकते हैं आयन। ठीक है, थक गया नीचा नीचा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फटाफट आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो देखो इस तरह की गणना करनी है अपने को, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ इसको, आपको अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देख लेना जल्दी से। एक बार अगर मेरे साथ आप सब समझ भी लोगे, बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ और मज़े लेते जाओ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ी बार कुछ नहीं लूँगा। आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये दे रहा है पी। नॉर्मल अपन वेग नियम के अनुसार इसका वेग लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वेशन एक। ठीक है, दोबारा देखो, फिर हमने क्या कहा कि जो आपका संक्रमण अवस्था सिद्धांत होता है अकॉर्डिंग टू ए सी टी, जो रेट होती है वो किस पर निर्भर करती है, सक्रियण कुल की सांद्रता और उसके विघटन की आवृत्ति। ये विघटन की आवृत्ति थी न्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, हमने क्या किया इसके अनुसार लिखा ए प्लस बी, ये के इक्विलिब्रियम, ये ए बी हैस, ये के और ये पी। तो यहाँ से साम्यावस्था से हमने जब के इक्विलिब्रियम का मान निकालना चाहा तो हमारे पास आया उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, ए बी का, तो निकालो ए बी की सांद्रता इज इक्वल टू क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। समीकरण इसको कह दो आप, ये एक हो गई, ये दो हो गई और ये तीन। समीकरण एक और तीन को चिपकाओ पहले, सॉरी क्या चिपकाओगे, क्या मान रख दो, चलो मत रखो, एक और लिख लो। और हम जानते हैं कि न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू क्या होता है, पहले देखो न्यू वाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए पता है आपको कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। E बराबर क्या होता है, एच न्यू, और जो एच न्यू होता है वो किसके बराबर होता है, के बी टी के, थर्मल एनर्जी होती है ये। ठीक है, के बी टी के होती है, थर्मल एनर्जी होती है। तो यहाँ से आप न्यू का मान निकालोगे, क्योंकि हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए लिख दिया वाइब्रेशनल, लिख दिया वाइब्रेशनल। वी ए बी का मतलब होता है वाइब्रेशनल, कंपन वाला। ठीक है, तो ये न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू, एच का भाग लग जाएगा इधर, क्या जाएगा, के बी टी अपॉन एच। समीकरण हो गया चार। समीकरण दो तीन व चार से, समीकरण दो तीन व चार से मान रखोगे तो सीधा सीधा देखो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ए बी इंटू के बी टी ओवर एच। समीकरण क्या आ गई, पाँच। समीकरण एक व पाँच की तुलना करने पर करो तो रेट से रेट मर जाएगा, क्या आएगा, सॉरी ये इधर आएगा आपके पास के ए बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ए बी इंटू के बी टी ओवर एच। ए से बी से, ए से बी से मर गया आपस में। ठीक है, क्या आ गया, के इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम के बी टी ओवर एच। ये समीकरण आ गया अपने पास छः। अब हमें के इक्विलिब्रियम चाहिए, इसको उठाना है, तो हम जानते हैं कि ये सब कुछ साम्यावस्था वाले चैप्टर से आता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, होता क्या है, साम्यावस्था के लिए डेल जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, इसलिए
क्या होगा, डेल जी नोट का मान निकालोगे तो माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ से किसका मान चाहिए हमें, एल एन के इक्विलिब्रियम का, तो एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का डेल जी नोट अपॉन आर टी। अब हमें केवल के इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्या ले लो, एन टी एल एन लेने पर, तो एन टी एल एन लोगे क्या होगा इधर, तो बस का क्या के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये किस में चला जाएगा, ई की पावर में, ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी। यह समीकरण आ गई 7। क्या करोगे, समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से, या फिर आप कह सकते हो समीकरण 7 से के इक्विलिब्रियम को समीकरण 6 में रखने पे, तो क्या आएगा आपके पास, के इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा जी नॉट अपॉन आर। ठीक है भाई, क्योंकि डेल जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल एच नॉट माइनस का टी डेल एच नॉट, ये मान उठा के यहाँ चिपका दो, तो के इज इक्वल टू आएगा के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल जी की जगह क्या रखोगे, डेल एच नॉट माइनस का टी डेल एस नॉट बटे में क्या आएगा आर टी। अब इसको खोल के लिख दोगे आप तो आएगा के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी डॉट ई की पावर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आर टी से टी कट जाएगा, क्या आएगा डेल्टा एच नॉट ओवर आर। एक समीकरण तो आ गया आपके पास ये, दूसरा मैंने क्या कहा था जो के बी होता है उसको आप लिख सकते हो आर बाई एन ए। ठीक है, ये होता है गैस नियतांक और ये होता है अवगाद्रो संख्या, तो मान रख दो इसका भी रख दो, क्यों मान के मन में रखते हो आर टी ओवर एन ए एच ई की पावर माइनस का डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एच नॉट ओवर एल। ये आपका क्या हो गया, संक्रमण अवस्था सिद्धांत से किसकी वेगी स्थिरांक की गणना खत्म हो गई है, और यहाँ पे आप लिख दो दी एंड। आगे क्या लिखोगे, जय महाकाल। ठीक है भाई, चैप्टर अपना खत्म होता है, जय महाकाल की जय। अब हम इसको तो करते हैं खत्म, नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो उतार लो और अच्छे से पढ़ना। कैमरा कहाँ से बंद होगा, गोल गोल।